हेलो गाइस, दिस इज़ दर्शिल पटेल फ्रॉम ओरोस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। आज मैं आपके साथ ओरोस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फी स्ट्रक्चर है इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ओरोस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी MBBS की स्टडी करनी होती है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि उनका जो बजट है वो ओरोस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को मैच करता है या नहीं करता। कई बार स्टूडेंट एजेंट और कंसल्टेंट्स को भी कॉल करते हैं, लेकिन कई बार उनको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती एजेंट और कंसल्टेंट से, स्पेशली फीस के रिगार्डिंग। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ओरोस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनको 239,350 रुपये पे करना होता है एक साल का जो एजुकेशन है इसका। और जो जो स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स ईयर में है उनको एक साल का 195,000 रुपये पे करना होता है। यहाँ व्यूअर्स को एक बड़ा डाउट आएगा कि इतना चेंजेस क्यों है फीस के रिलेटेड। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में है उनको MBBS की स्टडी के साथ लैंग्वेज की भी स्टडी करनी होती है, यानी कि लैंग्वेज भी सीखनी होती है। तो जो 239,350 रुपल्स है इसमें से 195,000 रुपल मेडिकल इंस्टीट्यूट की फ़ीस हो गई, और जो रिमेनिंग फीस है यानी कि 44,350 रुपल वो लैंग्वेज की फ़ीस है। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर तक आपको लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना होता है MBBS की साथ साथ। तो टोटल 239,350 रुपल होगा। वैसे अगर मैं टोटल 6 साल के एजुकेशन फीस की बात करूं तो 13,03,050 रुपल आप यूनिवर्सिटी को पे करोगे अपने एजुकेशन के लिए। अगर मैं यहाँ की हॉस्टल फीस की बात करूं तो अभी फ़िलहाल ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल है एंड प्राइवेट हॉस्टल्स भी अवेलेबल है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करूँ तो इसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्टल, लेकिन आपको प्राइवेट हॉस्टल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्टल। एंड जो गवर्नमेंट हॉस्टल की फ़ीस है वो 15,600 है एक साल की। इसमें आपका गैस बिल है, लाइट बिल है, जो भी वाटर बिल है वो सब इंक्लूडेड होगा। अगर मैं टोटल 6 ईयर की हॉस्टल फीस की बात करूँ जो गवर्नमेंट हॉस्टल है इसकी, तो टोटल आप 93,600 पे करोगे यूनिवर्सिटी को, जो यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने के लिए। स्टूडेंट जब आप अब्रॉड में स्टडी करते हो तो आपका तीसरा जो मेन एक्सपेंस है वो खाने पीने के रिलेटेड आता है, तो खाने पीने का खर्च भी आपको गिनना होता है। तो अभी यहाँ की कंडीशन की बात करूँ तो गवर्नमेंट हॉस्टल में इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल में आपको इंडियन मेस का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ हम हमारे स्टूडेंट को रखते हैं वो प्राइवेट हॉस्टल में इंडियन मेस की फ़ीस है $100 पर मंथ के हिसाब से, इसमें आपको 3 टाइम खाना मिल जाएगा। अगर मैं रूबल में बात करूँ तो अराउंड 7,000 रुपल पर मंथ आएगा, और एक साल की टोटल फ़ीस की बात करूँ इंडियन मेस की तो समथिंग 84,000 रुपल आएगा। अगर टोटल 6 साल की बात करूँ तो 6 साल में आपको समथिंग 5,04,000 रुपल पे करना रहेगा अपना जो फूड बिल है इसके लिए, टोटल 6 साल का। गाइस, ये 3 मेन एक्सपेंसेस है जब आप अब्रॉड में स्टडी करते हो। तो एक फर्स्ट एक्सपेंस की आपकी टोटल एजुकेशन फीस, सेकंड एक्सपेंस इज आपका एकोमोडेशंस, एंड थर्ड वन इज आपका जो फूड बिल है वो। अगर ये तीनों एक्सपेंसेस को मैं टोटल बताऊँ आपको तो टोटल 6 साल का आपकी एजुकेशन फ़ीस, टोटल 6 साल की आपकी गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने की फ़ीस एंड टोटल 6 साल की आपकी इंडियन मेस की फ़ीस मिला के टोटल आपका बन जाएगा 19,650 रुपल। टोटल 6 साल का आ गया, इसमें सब कुछ आ गया आपका।
तो गाइस ओवरऑल डिस्कशन करके सीधा पता चलता है हमें कि ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है अगर आप MBBS इन रशिया के लिए सोच रहे हो तो। गाइस अगर आप भी ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हो तो आप हमारी कंपनी MBBS गाइड के थ्रू अपनी वीज़ा प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हो। इसके लिए आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो नीचे आपको नंबर दिखा गया है उस पर व्हाट्सएप पे। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसे ही एक एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।